एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. हमने बात की इंडियन लैंग्वेज की, कीबोर्ड पे कैरेक्टर्स जो ए से जेड पे हैं, हिंदी या बाकी इंडियन लैंग्वेजेस की, पर बाकी लैंग्वेजेस का क्या? कंप्यूटर तो अब इंडियन लैंग्वेजेस में हम काम कर रहे हैं, बाकी लैंग्वेजेस में बाकी कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में काम हो रहे हैं, तो वहां के लिए कोडिंग सीन क्या? वहां के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं यूनिकोड. एस्काई इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिकोड. इज इट क्लियर? एक ऐसा स्टैंडर्ड जो किसी भी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से समझते हैं. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एक सिंपल टर्म्स में कहें तो विंडोज. आपका कंप्यूटर आपको अलाउ करता है कि आप इंटरेक्ट करें उसके साथ विद द हेल्प ऑफ विंडोज, जो कि क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम. हर कंप्यूटर के पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं. विंडोज नहीं है तो आप कंप्यूटर पे कुछ नहीं कर सकते हैं. तो विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जब आप प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंसिडर करते हैं. तो यूनिकोड एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो किसी भी लैंग्वेज को एक यूनिक सिंबल, एक नंबर प्रोवाइड करेगा. कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी लैंग्वेज हो, दिस स्टैंडर्ड इज अप्लाइड इंटरनेशनली टू ऑल ओवर ऑल द लैंग्वेजेस. क्लियर है? एस्काई इसका सबसे पहला पार्ट था जो कि अल्फाबेट्स को, इंग्लिश अल्फाबेट्स को नंबर प्रोवाइड करने के लिए सेट किया. Is it clear? Usually जो है आपका यूनिकोड होता है, अभी करंटली 16 या 32 bits use कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं 16 bits का मतलब कितने सारे characters होंगे. 2 की पावर 16 करो या 2 की पावर 32 करो तो आपको पता चल जाएगा कितने सारे different characters को ये नंबर प्रोवाइड करने की.